WSLM में हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे who, what, where और when. अब पढ़ेंगे which, why, whom और whose. लेकिन पहले पढ़ेंगे which और why. Which मतलब कौन सा, या फिर कौन सी. Why मतलब क्यों. Which का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए या तो पसंदगी करने के लिए करते हैं. Why का उपयोग किसी विशेष वस्तु का कारण जानने के लिए हम उपयोग करते हैं. तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल. हेली इज हैप्पी टू विन द फर्स्ट प्राइज. हेली प्रथम पुरस्कार जीतकर खुश है. अब खुश है तो क्यों और कौन है. अगर हेली के नीचे अंडरलाइन किया होता तो यहाँ पे डब्ल्यूएस क्वेश्चन खुश से होता. लेकिन यहाँ पे टू विन द फर्स्ट प्राइज में मतलब कारण के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे वाई. वाई की अब टेंस के अनुसार जो स्ट्रक्चर से उसके यूज करेंगे. वाई इज हेली, उसके बाद क्या आएगा हेली. लास्ट में क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो. Why is Heli happy? Heli खुश क्यों है. क्योंकि वह प्रथम पुरस्कार जीती है इसलिए वह खुश है. सेकंड एग्जांपल. दीपक सिलेक्टेड द बेस्ट एप्पल्स. दीपक ने सबसे अच्छे सब प्रजनों की पसंदगी की. अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस. अब अगर दीपक के नीचे अगर हुआ होता तो डब्ल्यूएच में क्या आता हो. लेकिन यहाँ पे द बेस्ट एप्पल्स पसंदी की बात आई या फिर कोई वस्तु निजी वस्तु की बात आई तो यहाँ पे विच का उपयोग करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे विच एप्पल्स ठीक संबंध है इसके लिए विच के साथ क्या आएगा, एप्पल्स भी ज्वाइन होगा. द बेस्ट यहाँ से हट जाएगा. क्या लिखेंगे विच एप्पल्स. फिर हेल्पिंग ऑफ यूज होगा डिच. उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट भी है दीपक. फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो आएगा सिलेक्ट. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. व्हिच एप्पल्स डिड दीपक सिलेक्ट. अब पढ़ेंगे होम और होस. होम का उपयोग करते हैं कर्म जानने के लिए. होस का उपयोग करते हैं संबंधक विभक्ति जानने के लिए. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है. अजीत इज माय फ्रेंड. अजीत मेरा दोस्त है. तो अजीत किसका दोस्त है, मेरा. तो ये जानने के लिए होस का यूज करेंगे. विच का यूज होता है निर्जीव वस्तु के जानने के लिए. होस का यूज होता है सब्जेक्ट को संबंधित जानने के लिए. तो अजीत इज माय फ्रेंड, अजीत मेरा दोस्त है. तो हुज फ्रेंड इज अजीत. देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बना, हुज फ्रेंड इज अजीत. अजीत किसका दोस्त है, तो अजीत मेरा दोस्त है. अजीत इज माय फ्रेंड. इसका एक एग्जांपल और है. दिस इज हिज पेंसिल. यह उसका पेंसिल है. किसका पेंसिल है, संबंधक व्यक्ति है मतलब संबंधक यहाँ पे विषय हो रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा, हुज का यूज करेंगे. पहले लिखेंगे हुज, उसके बाद अंडरलाइन किया हुआ है, उसके नेक्स्ट में क्या है पेंसिल ऑब्जेक्ट है. हुज पेंसिल इज, फिर आएगा दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हुज पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसका है. चौथा एग्जांपल. आई मेट शिव एट द रेलवे स्टेशन. मैं रेलवे स्टेशन पर शिव से मिला. तो मैं किससे मिला, शिव से मिला. किससे आए तो क्या आएगा हूं.
किसका रेन तो आएगा हुस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, होम। अब ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डिड। होम डिड आई। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो यूज होगा आपके फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिट। होम डिड आई मिट एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके,